प्रतिष्ठा कार्यक्रम योजावानो छे के जे ऐतिहासिक प्रसंग बनशे। तो राममय वातावरण में शहर में ठेर ठेर राम भक्ति आयोजनों थई रहा छे। तेवामां शहर में योजायेल एक कार्यक्रम में फरी एक बार मनमोहक मेहंदी नो रंग बधाना भक्ति ना उत्सव ना रंग में रंगाई गयो छे। सूरत ने 51 बहनों हाथ में मेहंदी स्वरूपे रजू थयेला रामायण ना 51 प्रसंगों ने अनेरू आकर्षण जमाव्यू छे। तो सूरत में राम भक्ति ना रंगे रंगायेली महिलाओं द्वारा भगवान राम अने माता सीता प्रत्येनी आस्था ने राम भक्त बहनों हाथ पर मेहंदी स्वरूपे कंडारी एक अनोखी भक्ति उजागर करी छे। पूरा देश एक तरफ राममय हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरे देश के साथ साथ सूरत एक अपनी अलग पहचान बताती है पूरे देश में, पूरे विश्व में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक राम मंदिर जो अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है, जो बना हुआ राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होगी 22 जनवरी को, उस संदर्भ में कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। कई तादाद में महिलाएं हैं लेकिन इस वक्त यहाँ उपस्थित आप उनके हाथों पर देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान राम की प्रतिलिपि बनाई गई है। साथ ही साथ कुछ मंत्र भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे सीधी तौर पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य इनका क्या रहा होगा। जी आपका नाम? मेरा नाम जिनल सवानी है। जिनल जी आप बताइए किस तरह से आपने पूरा तैयार किया हुआ और क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे? हमारे जो एपे एक्सेलेंसिया में जो लेडीज का ग्रुप है उसमें वैशाली और नेहल करके है, उन्होंने ये पूरा थीम जो है वो फाइनल किया है। ये पूरा जो 51 रामायण के जो दोहा है वो सारे सबके 51 अलग अलग लेडीज के हाथ में वो बनवाए गए हैं मेहंदी के रूप में, और उसके बाद इसके बाजू में दोहा भी लिखवाए गए। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिनल जी को सुना कि यहाँ पर पूरा श्री राममय बनाया गया है, पूरा माहौल 51 जो दोहे हैं श्री राम भगवान के उनके द्वारा ये पूरी चीजें तैयार की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई सारी महिलाएं भी हैं जो यहाँ पूरे सज के आई हुई है, पूरा श्री राममय पूरा वातावरण है। तो यहाँ पे जो सांसद हैं दर्शना जरदोश जी वो भी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा माहौल बना हुआ था और वो यहाँ उपस्थित है। तो हम सीधे दर्शना जरदोश जी से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। जी मैडम, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, पूरा राममय वातावरण है, क्या कुछ कहेंगे? राम मंदिर के भव्य निर्माण से पहले महिला अपने आप को जुड़ रही है, राममय वातावरण बन रहा है। निमिषा मेहंदी कल्चर जो अलग अलग प्रकार से मेहंदी की कला अपने आप प्रदर्शित करती है, उनको मेहंदी को अलग ऊंचाई पे ले जाना है। और आज ये जो रेसिडेंसी हैप्पी एक्सेलेंस है इसमें वैशाली बल और शिवानी बेन ने सबको इकट्ठा किया है, जो अपने आप में इसमें जुड़ रही है कि अपने हाथों पे राम से जुड़े हुए जो चरित्र कथा है वार्ली पेंटिंग द्वारा वो अपने हाथों पे लगा रही है। तो बहुत अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम का सब लोग आनंद ले रहे हैं। और 22 तारीख से पहले जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है उससे पहले सब अपने आप को जुड़ रही है। दर्शन जी आपसे एक सवाल रहेगा, टेक्सटाइल मंत्री भी आप हैं फिलहाल, टेक्सटाइल का क्या कुछ माहौल है राममय अयोध्या मंदिर को लेकर? जितने भी हमारी जो राम की ध्वजाएं चढ़ रही है वो सब टेक्सटाइल मंत्रालय से ही रिलेटेड है। ध्वजा की स्वरूप, ध्वजा की साइज, और हर घर जैसे तिरंगा लगा था इस तरह से हर घर राम की ध्वजा लगी हुई है, और सब लोग अपने आप को परिधान के रूप में तैयार कर रहे हैं दिवाली के माहौल में। ये सब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है। तो और सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, रेलवे भी बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों को अयोध्या जाना है, भक्तिभाव से जाना है, जल्दी जाना है। तो ये पूरी व्यवस्था जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक पूरी इको सिस्टम के साथ में हम लोग लोगों की भावना से संवेदनशीलता से जुड़े हैं, और आने वाले समय में 22 तारीख के बाद में 23 तारीख से क्रमशः लोग ये अपने आप की भावना पूर्ण कर पाएंगे। आपने कहा कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, टोपी भी यहाँ बन रही है, खेस भी यहाँ बन रहे हैं, ध्वजा भी यहाँ बन रही है। तो कहीं ना कहीं जब टेक्सटाइल का इतना बड़ा योगदान अयोध्या राम मंदिर में है तो विश्व पर टेक्सटाइल का क्या कुछ असर रहेगा सूरत को? नहीं नहीं, वैसे भी सूरत तो टेक्सटाइल का हब है, और जो एक्सपोर्ट का हम लोगों का सबसे बड़ा टारगेट रहता है भारत टेक्स का एग्जीबिशन जो 26-27-28 को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, इसमें भी बहुत सारे सूरत के लोग शामिल होने जाए। मैनमेड फाइबर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, टेक्निकल टेक्सटाइल है, सब में सूरत का एक अपना अपना योगदान है, और सूरत वैसे ही ये जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड टेक्सटाइल की गतिविधि में साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ जो जुड़ी थी दर्शना जरदोश जी जुड़ी थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर और रेल मिनिस्टर है यहाँ पर, उन्होंने सारी बातों में जब जानकारी दी कि कहीं ना कहीं जब पूरा माहौल है वो एक माहौल सा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो जब यह
51 जो महिलाएं हैं जिस तरह से उन्होंने श्री राम में पूरा वातावरण बनाया हुआ, तो कहीं ना कहीं जब सूरत की इतनी महिलाएं एक साथ एक हाथ पर मेहंदी लगवाकर और दूसरे हाथ पर दोहे लिखवा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन की बात करें, क्योंकि अब तक पुरुष ही जुड़ रहे थे ज्यादातर करके लोग, लेकिन अब जब महिला भी राम मंदिर के लिए जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राज।